चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दीज आर द टू बॉडीज ए एंड बी, दीज आर द टू बॉडीज ए एंड बी विद अस। हमको इनको कॉन्टेक्ट से चार्ज करना है। मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2, देन इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा, लेट्स से पोटेंशियल इज V1 और इसका कुछ पोटेंशियल होगा V2। ओके, अब अगर हम इनको एक वायर से कनेक्ट कर दें, या तो वायर से कनेक्ट कर दें या दोनों को टच कर दें, तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ टिल द पोटेंशियल बिकम इक्वल, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। ओके, नाउ लेट अस सपोज दिस इज R1 रेडियस एंड दिस इज R2 रेडियस, हम स्फेरिकल बॉडीज मान रहे हैं। देन व्हाट इज द फाइनल सिचुएशन आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग द पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, क्योंकि चार्ज तभी तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, और दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू ए अपॉन R1 प्लस के क्यू बी अपॉन R2, तो के कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू था। सो देन व्हाट वी गेट, क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, मीन्स द चार्ज विल बी इन रेशियो ऑफ देयर साइज, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका साइज बड़ा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा और जिसका साइज छोटा होगा उस पर चार्ज कम होगा। इसीलिए हम तब बात कर रहे थे अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो चार्ज इक्वल होगा, बट नाउ वी नो दैट अगर बॉडी बड़ी है तो चार्ज ज़्यादा होगा और छोटी है तो चार्ज कम होगा। देन सेकेंड वॉज चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक बेसिकली डेरिवेशन कह लो या क्वेश्चन कह लो, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये एक शेल है, ये रेडियस स्मॉल r, ये रेडियस कैपिटल r। वी हैड गिवन द चार्ज q ऑन इट और हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया तो ये क्यू चार्ज इस पे कुछ चार्ज इंड्यूस करेगा, करेगा। इट्स वेरी सिमिलर टू लाइक एक अनचार्ज बॉडी के पास हम चार्ज बॉडी लेके आए और उसको फिर हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया। चार्जिंग बाय इंडक्शन में यही करते हैं ना। सो मान लो इसके ऊपर चार्ज कलेक्ट हुआ Q-, इसके ऊपर Q- चार्ज कलेक्ट हुआ, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इज Q-। ओके, सो हम इस सरफेस पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं ए, पोटेंशियल एट ए इज जीरो। व्हाई? बिकॉज इट इज ग्राउंडेड। इफ यू ग्राउंड समथिंग तो ग्राउंड पोटेंशियल जीरो होता है, तो अगर हम किसी भी चीज को ग्राउंड करते हैं तो उसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इस स्फीयर का पोटेंशियल जीरो हो गया, ए पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है।
अब हम पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करें ए पॉइंट पे, दैट इज ये फर्स्ट स्फीयर ले लो, सेकेंड स्फीयर ले लो, बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्फीयर एट ए एंड बिकॉज ऑफ सेकेंड स्फीयर एट ए, ये बताना, ये तो जीरो हो गया, ये बोलना कितना होगा, फर्स्ट स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और सेकेंड वाले की वजह से कितना होगा, के क्यू डैश अपॉन कैपिटल आर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, यानी द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन दिस सरफेस इज इक्वल टू माइनस क्यू, जितना चार्ज हमने यहाँ दिया था उतना ही वहाँ पे हो गया। राइट ये समझ में आया, ये समझ में आया, ओके। नाउ आई एम डूइंग वन मोर ऑफ दिस टाइप, उससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये ध्यान रखना हमने क्या किया, जिस सरफेस को ग्राउंड किया उस सरफेस पे पोटेंशियल जीरो हो गया, बिकॉज व्हेन वी ग्राउंड ए सरफेस द पोटेंशियल एट दैट सरफेस बिकम जीरो, और उसको जीरो लेके उस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करके क्यू डैश की वैल्यू निकाली। सो आई एम गिविंग यू ए सिमिलर क्वेश्चन एंड डू दैट, ट्राई करो उसको। दीज आर द टू स्फीयर्स, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, वी हैड गिवन ए चार्ज क्यू to this and we have grounded the inner sphere. अब हमने जो अंदर वाला sphere है उसको ground किया और उस पर एक चार्ज q dash induce हुआ, so you have to find what is the value of q dash. q dash की value क्या होगी ये आपको find out करना है। देखो हमें निकालना है ये चार्ज, जिस सरफेस को ग्राउंडेड किया उसका पोटेंशियल जीरो हो गया, सो लेट मी अज्यूम ए पॉइंट हेयर बी, ए ले लो, सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज ग्राउंडेड, ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल यहां पे जीरो होगा। अब अगर हम पोटेंशियल ए पे कैलकुलेट करें that will be because of the first sphere as well as because of the second sphere. If I take this first and I take this second, so this is zero, we know, for first sphere. The point A is at surface of first sphere, so that will be k q dash upon A plus. The point A is inside the second sphere. And inside a shell, potential is same as on surface. तो potential जितना surface पे होता है उतना ही होगा, तो that will become k q by b. अब इसको solve करेंगे तो आएगा q dash is equal to minus q a by b. Right? So that is how we can calculate, and in this question we learn the two things: one, how to calculate potential inside, or how to calculate the induced charge. So this is the way to calculate induced charge. क्योंकि जब भी हम चार्ज इंड्यूस करेंगे तो उसको ग्राउंड करेंगे, और जब हमने ग्राउंड किया तो पोटेंशियल जीरो ले लो, और फिर उस पोटेंशियल को कैलकुलेट करके आपके पास इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। Is it clear? Yes, sir. Okay. अब आगे पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस,
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डेरिवेशन इज नथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम लाइक द अदर प्रॉब्लम्स. कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, उनको अप्लाई करना है और हमें डिराइव करना है. किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यही होता है कि कॉन्सेप्ट हमें मालूम होते हैं, उनको अप्लाई करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो दिस इज व्हाट इज द सेम थिंग. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज, व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस. राइट. हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम है, ये एक चार्ज Q1, ये एक चार्ज Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R12. ये हमारा सिस्टम है और ये इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस है. तो हमें इसी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में वर्क कितना करना पड़ा. राइट. सो नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज Q1 is equal to zero. That is W1 is equal to zero. Because there is no force on Q1. क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था तो कोई फोर्स भी नहीं थी, और कोई फोर्स नहीं थी तो वर्क भी नहीं करना पड़ेगा. वर्क तो हम तभी करेंगे ना जब कोई फोर्स लग रही होगी. ओके. अब हम Q1 को यहां ले आए, ये हमारा Q1 आ गया, एंड इससे R12 डिस्टेंस पे हमें निकालना है. राइट. ये A ले लो और ये B ले लो. Work done in bringing Q2 at B, W2 is equal to Q2 into potential at B. Q2 into potential at B. This we had already studied. Work done in moving a charge is how much? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो चार्ज कितना है? Q2 और पोटेंशियल Vb. अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट B इज ड्यू टू Q1. पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1. Vb is equal to K Q1 upon R12. That simple point charge का फॉर्मूला है. पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? K Q by R. तो इस चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हो गया? K Q by R. तो K Q1 by R12. So W2 is equal to K Q1 Q2 upon R12. And potential energy by definition, potential energy is total work done. So this is 0 plus K Q1 Q2 upon R12, and that is K Q1 Q2 upon R12. So this is what is the same relation we get, but in a little different way. Now, potential energy of a system of multiple charges. ये कहता दो charges के लिए.
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस. मल्टीपल चार्जेस में कितने भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूँगा फॉर द फोर चार्जेस, राइट. तो जैसे वो होगा वैसे ही आप कितने भी चार्जेस के लिए निकाल सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, राइट. वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज W1 जीरो, ओके. जब पहला चार्ज लाएंगे तो वर्क डन जीरो ही होगा. वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज Q1 V1 Q2 सॉरी Q2 V1. वर्क डन इन ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज. अब जब हम थर्ड चार्ज लाएंगे तो दो की वजह से पोटेंशियल होगा, होगा ना. फर्स्ट चार्ज का भी होगा और सेकेंड चार्ज का भी होगा. सो दैट इज Q3 इंटू V1 प्लस V2. एंड इफ आई ब्रिंग द फोर्थ चार्ज देन व्हाट विल हैपन. तब तीन चार्ज उसको फोर्स लगाएंगे ना. फोर्थ चार्ज लाएंगे तो तीन चार्ज फोर्स लगाएंगे तो तीन पोटेंशियल हो जाएंगे V1 V2 V3. सो दैट इज Q4 V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट. दिस इज V1 एट पोजिशन टू, दिस इज V1 एट पोजिशन थ्री, V2 एट पोजिशन थ्री, V1 एट पोजिशन फोर, V2 एट पोजिशन फोर, V3 एट पोजिशन फोर, राइट. ओके, अब इसको टोटल वर्क ले लो. टोटल वर्क इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 जीरो प्लस Q1. V12 कितना हो जाएगा K, सॉरी Q2 है ये, K Q1 अपॉन R12 प्लस W3 Q3 इंटू K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23 प्लस Q4, W4 की जगह आएगा. दैट इज K Q1 अपॉन R14 प्लस K Q2 अपॉन R24 प्लस K Q3 अपॉन R34, राइट. अब इन सबको मैं इकट्ठा करूं तो देखो K Q1 Q2 upon R12, that is the potential energy, है ना, plus K Q1 Q3 upon R13, K Q2 Q3 upon R23, plus K Q1 Q4 upon R14, plus K Q2 Q4 upon R24, प्लस के क्यू थ्री क्यू फोर अपॉन आर थ्री फोर, ठीक है. नाउ लेट्स फोकस ऑन द लास्ट लाइन. इस लास्ट लाइन को फोकस करो. दिस इज व्हाट यू वांट टू, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज वन एंड टू. ओके, ठीक है.
And this is what? Potential energy of charge first and third. ये क्या है? Potential energy of charge second and third. Potential energy of charge first and fourth. Second and fourth. And third and fourth. Total कितनी terms आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. ये तो मैंने आपको करके दिखाया. Although आपको इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल सा चीज बताता हूं. ये हो गया, ये तो समझ गए ना मैं क्या क्या कर रहा था. एक चार्ज को लाए और वहां पे जितने भी पोटेंशियल है उन सबको सम कर दिया. अब आपको कैसे करना है? इतना सब कुछ करोगे तो खो जाओगे. आपको ऐसे नहीं करना है. मैं आपके लिए बताता हूं क्या करोगे. मान लो ये एक सिस्टम है फोर चार्जेस का, फोर फाइव जितने भी हो डजंट मैटर. मेक ऑल ग्रुप्स टेकिंग टू एट ए टाइम. एक बार में दो चार्ज लेके जितने पॉसिबल ग्रुप हैं वो बनाओ. एक बनेगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. और कोई पॉसिबल है? जितने भी ग्रुप बनते हैं वो बनाओ. लाइक अगर फोर चार्जेस हैं तो वन का इन सबके साथ ग्रुप बनेगा 3, सेकेंड का इनके साथ बनेगा 2, इसके साथ तो हो ही गया, और थर्ड का इसके साथ, तो अकॉर्डिंगली 6 ग्रुप बनेंगे. फिर इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हुए साइन जरूर प्लेस करना. जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव रखोगे, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रखोगे. सो देन इट इज व्हाट सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, and 3 and 4. अब कोई भी अगर मैं लूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q4 upon R14 means this distance, ये वाला डिस्टेंस, 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस R14. जब मैं ये निकालूंगा 1 and 3 तो क्या लिखूंगा? K Q1 Q3, एंड डिस्टेंस लूंगा 1 और 3 के बीच का, तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस ये आएगा. तो आप ये वाला डिस्टेंस लोगे. रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं करना. जितने भी चार्ज दियो दो दो का ग्रुप बनाओ, जितने भी ग्रुप बने, और ये आपको कॉमन सेंस से बनाने पड़ेंगे. दो दो के ग्रुप बनाओ, सबकी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो और सबको ऐड कर दो. दैट्स ऑल.